लेकिन जैसे ही हम एक बिट बोरो करते हैं तो दो सबनेट बन जाते हैं और दोनों सबनेट में फिर 126 126 होस्ट आते हैं। अब हमारा दूसरा सबनेट था जो कि था 5 का, यानी कि हमें 5 आईपीस चाहिए सेम। अब इसको हम सेम दोबारा वही काम करेंगे। अब 5 आईपीस के लिए हमें होस्ट की कितनी बिट्स रिजर्व करनी होंगी, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2^h-2। इसका आंसर आना चाहिए कम से कम 5 आना चाहिए, ज्यादा का बहुत ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। जैसे 2^2 रखें तो 4 आता है, सॉरी 2 रखेंगे तो 2 आएगा बिकॉज 2 माइनस भी करने हैं। 3 रखूंगा तो 6 आएंगे, दैट मीन्स कि मुझे 3 ही रखनी चाहिए। मुझे h की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 3 ही, ताकि ये मुझे 6 आईपी दे दे। ठीक है, तो अब मेरे इस केस में क्या हो रहा है, मुझे h की वैल्यू क्या रखनी पड़ रही है, h इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या रहेगी 5, बिकॉज टोटल 8 बिट्स थी। अब हम n की 5 बिट्स देखेंगे। अब हम देखें सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.1, 2, 3, 4, 5 और बाकी 3 हम कर देंगे होस्ट की, 0 बिट्स, 0 बिट्स होस्ट की होती हैं। अब इसमें क्या इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या आ रही है, या ये सबनेट मास्क अब स्लैश नोटेशन में क्या लिखा जाएगा, स्लैश 24 और 5 29। ठीक है, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो आएगा 255.255.255. 5 बिट्स करने से 248 आ जाएगा, या /29 भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब हमने इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या आती है जी, 1, 2, 4, 8, 8 का इंक्रीमेंट करके सबनेट्स बनाएंगे। चलिए इंस्ट्रमेंट बनाते हैं 210.10.10.0। 8 का इंक्रीमेंट किया 210.10.10.8, 210.10.10.16, 210.10.10.24, 210.10.10.32। अब मैं इतने ज्यादा सबनेट क्यों बनाता जा रहा हूँ, मुझे तो एक चाहिए था। बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने 210 10 10 0 से लेके 31 तक, यानी कि आप जो ये वाला सबनेट बना रहे हैं ये अब आपके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, ये यूजेबल नहीं है, बिकॉज ये आप सबनेट नंबर 1 में ये आईपी यूज कर चुके हैं, अब आईपी रिपीट नहीं कर सकते आप। इसी तरह ये भी आपके लिए यूजेबल नहीं है, ये भी यूजेबल नहीं है, ये भी यूजेबल नहीं है। इन शॉर्ट जहां आपका पहले वाला सबनेट खत्म हुआ था उससे जो अगला सबनेट है वहां से आप अगला सबनेट बनाएंगे। यानी कि अब मैं सबनेट बनाऊंगा 32 से, 32 32 के बाद कितने का इंक्रीमेंट होगा जी, 8 का, 210.10.10.40। अब जो 32 वाला है ये कहां तक जाएगा, 210.10.10.39 तक, और इसकी स्लैश नोटेशन क्या बनेगी, 29। अब मैंने जो ये वाला अभी सबनेट बनाया है जिसके अंदर मेरे पास टोटल 6 आईपीज हैं, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये 6 आईपीज मैं लैन 2 के लिए रिजर्व कर रहा हूँ, लैन 2 के लिए। ठीक है, अब देखें अब हुआ क्या, बेसिकली आपने लैन 1 को जो सबनेट दिया उसके अंदर एग्जैक्ट 30 आईपी दिए, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी थी, 25, थोड़े से ज़्यादा दे दिए, एक दो की कोई बात नहीं। अब दूसरा जो सबनेट बनाया आपने उसमें सिर्फ आपने उनको 6 आईपी दिए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5। ये बेसिकली फायदा हो रहा है VLSM करने का। अब देखें थर्ड सबनेट के अंदर हमारे पास हमें सिर्फ 2 आईपी चाहिए। अब VLSM के जरिए हम एग्जैक्टली 2 आईपी गेट कर सकते हैं। अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम क्या करें, एच की क्या वैल्यू रखें कि 2 आईपी आए, तो 2 रखूंगा जब मैं एच की वैल्यू, तो 2^2 4, 2 आईपी माइनस करने होंगे, तो बाकी एग्जैक्ट आंसर आता है 2,
दैट मीन्स एच की वैल्यू 2 रखूंगा और एन की वैल्यू फिर क्या रखनी पड़ेगी मुझे, 6, ठीक है। यानी कि एच की वैल्यू आ गई जी 2 और एन की वैल्यू आ गई जी 6, और अब सबनेट मास क्या बन रहा है, 255.255.255.123456.78, ठीक है। ओके, ये सबनेट मास क्या बनता है जी, 255.255.255.6 बिट ऑन है तो 252, या हम इसको स्लैश नोटेशन में लिख सकते हैं 30/30। इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या आ रही है जी, 124 का इंक्रीमेंट। अब आसानी के लिए मैंने जहां पिछला सबनेट खत्म किया था, पिछला सबनेट देख लें, यहां पर ये 240 से शुरू हो रहा है तो हम अभी 240 से शुरू करेंगे, 210.10.10.40। इंक्रीमेंट कितना करना है हमने, 4 का, 210.10.10.44। और पिछला वाला, ये वाला सबनेट कहाँ खत्म होगा हमारा, 210.10.10.43, ठीक हो गया। और स्लैश नोटेशन क्या आ रही है इसकी, 30। यानी कि अब जो वैन के दो इंटरफेसिस हैं उनको आप आईपी क्या दे सकते हैं, या 41 या 42, दो आईपी ही यूजेबल हैं और दोनों आपने देने हैं, कोई फालतू आईपी आपके पास नहीं है। और वहां आप सबनेट मास्क क्या देंगे, स्लैश 30 का, ठीक है। और अब जो अगली, अगर लेट सपोज हमारे यहां पर कोई और लैन बनती है, लेट सपोज यहां पर एक और हम लैब बनाना चाहते हैं, और यहां पे आ जाती है कि लैन नंबर 1, 2, लैन नंबर 3। अब देखिए हमारे लिए VLSI में कितनी ज़्यादा आसानी है कि लेट सपोज लैन 3 के अगेन जी हमारे पास यहाँ पे एक लैब है, तो 25 IPs हैं यहाँ पे। अब हमें 25 IP का हमें पता है कि 25 IP के अंदर इंक्रीमेंट कितना करना होता है जी, 25 के लिए हमने कितने का इंक्रीमेंट किया था, 32 का। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सबनेट मौजूद है वो 44 से शुरू होगा, ठीक है, 44 से। तो अगर मैं अब रिजर्व करूं लैन 3 के लिए तो मैं कैसे करूंगा, 210.10.10.44, इसके अंदर 32 का इंक्रीमेंट कर दूंगा, 210.10.10.32, ताकि मेरे पास इस एक ऐसा सबनेट आ जाए जहां मुझे 25 आईपी मिल जाए। तो ये .31 पे ख़त्म हो जाएगा, और इसका हमने सबनेट मास्क क्या देना है, /27। दिस इज VLSM क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर जो प्रॉब्लम था, और वो ये था कि हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क या फिक्स नंबर ऑफ नेटवर्क्स मिलते हैं हर क्लास के अंदर। फिर हम लोगों ने सबनेटिंग स्टार्ट की। ये एक पिक्चर मैंने लगाई है सबनेटिंग को समझने के लिए। ये क्लास ए के सबनेट्स हैं, मींस बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो सबनेट मास ये बनता है। बोरो बिट कोई नहीं है बिकॉज अभी बाय डिफॉल्ट वाला सिनेरियो है, और बाय डिफॉल्ट के अंदर नेटवर्क एक ही बनता है, और उस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट आ रहे हैं ये आपके सामने नंबर है। फिर अगर हम एक बिट बोरो कर लेते हैं सेकंड ऑक्टेट से, तो ये देखें सबनेट मास्क चेंज हो जाता है, कस्टम सबनेट मास्क ये हो जाता है। एक बिट हमने बोरो की, और एक बिट बोरो करने से 2 सबनेट बनते हैं, और 2 सबनेट, दोनों सबनेट के अंदर इतने होस्ट आएंगे, ठीक है। ये काम हम कर चुके हैं। अब क्लास बी के देख लें, ये बेसिकली एक समराइज टेबल है। जिन लोगों को सबनेटिंग अच्छी तरीके से आ गई है उनके लिए ये टेबल को समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें सी क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट 24 बिट्स होती हैं, ये सबनेट मास्क होता है, और होस्ट कितने होते हैं जी, 254। लेकिन जैसे ही हम एक बिट बोरो करते हैं तो 2 सबनेट बन जाते हैं, और दोनों सबनेट में फिर 126 होस्ट आते हैं। इसी तरह स्लैश, ये देखें अभी हमने नेटवर्क बिट्स स्लैश 30 वाला भी एक क्वेश्चन किया था,
और स्लैश 30 का सबनेट मास्क क्या बनता है हमारे पास 255 255 255 252, और बिट्स हमें एन की कितनी रिजर्व करनी पड़ती हैं 6, और सबनेट फिर कितने बनते हैं 64, और हर सबनेट के अंदर दो दो आईपीज आते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि वैन इंटरफेस के ऊपर हम स्लैश 30 का मास्क यूज करते हैं ताकि हमें दो दो आईपीज मिल जाएं। ओके, ये प्रॉब्लम बेसिकली बताया गया है कि इस सिंपल सबनेटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर हम फिक्स FLSM करें तो हमें हर सबनेट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ आईपीज मिलते हैं। उसके लिए VLSM इंट्रोड्यूस करवाया गया, और VLSM की अब ये एक एग्जांपल है, इसको अब आप लोगों ने खुद करनी है, भी सी क्लास की है। इसके अंदर करना क्या है, आपने चार सबनेट्स बनाने हैं, एक के अंदर 100 होस्ट हैं, एक के अंदर 50 हैं, एक के अंदर 25 हैं और एक के अंदर 5 हैं। तो चार ऐसे सबनेट्स आपने बनाने हैं, एक सबनेट के अंदर 25, एक के अंदर 50, एक के अंदर 100, एक के अंदर 5। तो हम बेसिकली यहाँ से भी बना सकते हैं। कैसे, इस टेबल से हम आसानी से बना सकते हैं। अब आप देख लें कि 25 होस्ट वाला सबनेट, सॉरी पहले 100 वाला बनाते हैं। 100 वाला जी ये वाला है, ये जो सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसको कभी गौर करें। इसका मतलब है हमने स्लैश 25 का मास्क रखना है, स्लैश 25 का मतलब ये वाला मास्क। एक बिट हमने रिजर्व करनी है, और रेंज क्या बनेगी, 128 का जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो रेंज बन जाएगी 1 से लेके 126 तक, यानी कि ये सबनेट बन रहा होगा 0 से लेके 127 तक का, और उसके अंदर जो रेंज आ रही है यूजेबल आईपी की वो 1 से 126 की। ये हमारा उस डिपार्टमेंट के लिए जिसको 100 आईपी चाहिए। फिर दूसरा है ऐसा डिपार्टमेंट जिसको 50 आईपी चाहिए, उनको हम स्लैश 26 का मास्क दे देते हैं, और क्योंकि 126 तक रिजर्व हो चुके हैं तो अगला आईपी जो मिल रहा है वो 128, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है जी, 64 का, 128 में 64 192, तो ये पहले वाला ख़त्म हो जाएगा 191 पे। तो 129 से लेके 190 तक टोटल 62 आईपी मिल जाएंगे, जो कि हम उस डिपार्टमेंट को देंगे जिनको 50 आईपी चाहिए। फिर हमारे पास ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको 25 आईपी चाहिए, ये हम ऑलरेडी एक एग्जांपल कर चुके हैं, जिनको हम स्लैश 27 का सबनेट देते हैं, और वहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा होता है जी, 32 का, और हमें 30 आईपी मिलते हैं। ये अब आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगेन वही कहूँगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये वाली इस साइड पर देख लें, इसको मैं बता देता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको भी आपने खुद कर लेना है। इस साइड पे आपको 60 होस्ट चाहिए, ऐसा सबनेट बनाएं जिसमें 60 आईपी मिलें। यहाँ पर आपको 2 आईपी चाहिए, यहाँ पर भी आपको 2 आईपी चाहिए, यानी कि अब आपको दो दो आईपी वाले 2 सबनेट बनाने हैं। और 2 आईपी वाला सबनेट कौन सा होता है, स्लैश 30 के मास्क वाला। यहाँ पे आपको 12 होस्ट हैं, यहाँ पे भी 12, यानी कि यहाँ पे भी आपको, यहाँ और यहाँ, यहाँ पे भी आपको 2 ऐसे सबनेट बनाने हैं जहाँ पे आपको 12-12 आईपी मिल रहे हो। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे, जिसको ये वैन लिंक कहा जाता है, यहाँ पे सबनेट मास्क क्या दिया जाता है। यहाँ पे हम सबनेट मास्क देते हैं स्लैश 30, ठीक है, ये कोई रटे वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस, और अभी हम ये सारा काम प्रैक्टिकली कर चुके हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो अगेन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जी। इस नेटवर्क के अंदर देखें FLSM यूज किया गया है, और FLSM के अंदर प्रॉब्लम भी फिर दिखाया गया है। स्लैश 28 का सबनेट यहाँ पर भी है, स्लैश 28 का यहाँ पर भी, स्लैश 28 का यहाँ पर भी, स्लैश 28 का यहाँ पर भी, और स्लैश 28 का यहाँ पे भी। टोटल 5 सबनेट्स बनाए गए हैं, और पांचों सबनेट्स के अंदर फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग यूज की गई है। अब हालांकि इनको कितने आईपी चाहिए, 10, यहाँ पर भी, यहाँ पे 12 चाहिए, यहाँ पे 25 चाहिए,
और यहाँ पे 6 चाहिए। अब स्लैश 28 का मतलब है होस्ट की 4 बिट्स, और 4 बिट्स अगर होस्ट की हों तो 2 की पावर h-2 मीन्स टोटल 14 आईपीज मिलते हैं। अब इनको 6 चाहिए थे, आपने 14 दे दिए, इनको 10 चाहिए थे 14 दे दिए, इनको 12 चाहिए थे 14 दे दिए, इन डिपार्टमेंट्स को 25 चाहिए थे, आपने 14 दे दिए। तो FLSM जो है इस तरह के सिनेरियो में फ्रूटफुल साबित नहीं होता। तो ये देखें यहाँ पे अब 2 होस्ट चाहिए, आपने कितने आईपी दे दिए जी, 14 आईपी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने VLSM को स्टडी किया। अब सेम वही तरीका हमने अब इसी नेटवर्क को VLSM के जरिए सॉल्व किया गया है, और यहाँ देखें कि आपके बहुत सारे आईपीज जो हैं वो स्टिल बच जाते हैं। कैसे? आपने अपना जो पहला सबनेट है वो आपने यहाँ दिया, फिर आपने 32 का सबनेट था वो इस साइड पे दे दिया, फिर 48 का इस साइड पे दे दिया, 64 का इस साइड पे, और फिर 72 का इस साइड पे। इन शॉर्ट 0 से आपने शुरू किया ब्लॉक, और ये 72 वाला सबनेट जो है 73, 74, 75, 75, 0 से लेके 75 तक आपने सिर्फ आईपी यूज किए हैं, और आपने 5 के 5 सबनेट्स भी बना लिए और तमाम होस्ट भी सेटिस्फाइड हो गए हैं। स्टिल आपके पास 76 से लेके 255 तक आईपीस अवेलेबल हैं। इन फ्यूचर आप इनके मजीद सबनेट्स बना सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसके अंदर VLSM यूज करके नेटवर्क डिजाइन किया गया है। ये देखें पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे /30 का मास्क यूज हो रहा है, बिकॉज /30 हमें सिर्फ 2 आईपी देता है। नेटवर्क सी वालों को 20 आईपी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने /27 यूज की ताकि 30 आईपी मिल सकें। 14 आईपीज के लिए हम /28 यूज करते हैं, 6 आईपीज के लिए हम /29 यूज करते हैं, 30 आईपी के लिए हम /27 यूज करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे हमेशा /30 यूज की जाती है ताकि हमें एग्जैक्टली 2 आईपी जो हैं वो मिलें।